अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं शाजिब और आप देख रहे हैं मार्केट नो। टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम जो सिगरेट का बट होता है, सिगरेट का जो फिल्टर होता है, उसे किस तरह हम रिसाइकिल करके अपने जो बायो प्रोडक्ट्स हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। बायो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो सिगरेट का फिल्टर है उसे मुकम्मल तौर पर सेपरेट सेपरेट करना पड़ता है, और उससे जो बिजनेसेस होते हैं वो अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है, उसे रिसाइकिल करके अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि हमें ये क्यों यूज़ करना चाहिए, इस वीडियो को तकरीबन मैं तीन पार्ट्स में लेके चलूँगा, कि तीन क्वेश्चंस हैं जिसका मैं आंसर दूंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें सिगरेट बट को क्यों रिसाइकिल करना चाहिए। सेकेंड नंबर पर आता है हम इससे क्या क्या कौन कौन सी प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं, और जो तीसरी चीज़ होती है वो इसमें आता है कि हम जो इसको कलेक्ट करना है, एक सिगरेट बट्स को हमने जो कलेक्ट करना है उसकी कलेक्शन है वो किस तरह करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सिगरेट बट है, जो सिगरेट का कचरा जो फिल्टर बच जाता है उसे हमें रिसाइकिल क्यों करना चाहिए। अगर हम इस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, इन्वायरमेंट में रहने के लिए आपको इसे पाक साफ करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट कर रही होती है। अगर हमारा इन्वायरमेंट आलूदगी से पाक होगा तो हम अच्छी ज़िंदगी अच्छी फिजा में सांस लेंगे, और अगर हमारा जो इन्वायरमेंट है वो गंदा हो जाएगा तो उसमें हमारे लिए जो सांस लेना है वो मुश्किल हो जाएगा। हमारे पाकिस्तान में आप देख लें कि दिन ब दिन जो सांस की बीमारियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो हमें इस जो रिसाइकलिंग है, कचरे की रिसाइकलिंग है, उस इंडस्ट्री में आना चाहिए। आप इंडिया में चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, आप चाइना में चले जाएं, आप दुनिया के किसी भी जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उसमें चले जाएं, उसमें आप देखेंगे कि आप उन्होंने जो सबसे ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री होती है उनकी, वो रिसाइकिलिंग की होती हैं। वो अपनी चीज़ों को रिसाइकिल करके अगेन बायो प्रोडक्ट्स में तैयार करते हैं और उसे फिर सेल कर देते हैं। इससे जो हमारी जो नई इंडस्ट्री है वो जन्म लेगी, और रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अगर आप सिगरेट बट्स की बात कर लें, सिगरेट फिल्टर की बात कर लें, तो मैं आपको एक रिसर्च के मुताबिक जो बात आई है उसमें आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में तकरीबन 22 मिलियन जो लोग हैं वो सिगरेट्स पीते हैं, उनमें से जो 32% हैं वो आदमी हैं, 6% जो हैं वो औरतें हैं, और उनमें से जो हमारी सबसे ज़्यादा आबादी है तकरीबन 16% जो लोग हैं वो तकरीबन 18 साल के लड़के हैं। आप डेली बेसिस पे देख लें कितने सिगरेट्स यूज़ हो रहे हैं, और उनका जो बड्स हैं, उनका जो फिल्टर है वो कितना कचरा बन रहा है डेली बेसिस पे। और रिसर्च के मुताबिक एक जो बट है, एक जो फिल्टर है सिगरेट का जो लास्ट में बच जाता है छोटा सा हिस्सा, उसे डिकम्पोज होने में तकरीबन 10 साल लगते हैं। अगर एक फिल्टर को डिकम्पोज होने में 10 साल लगते हैं दोबारा मट्टी बनने में, तो आप ये देख लें कि हम डेली बेसिस पे कितना ही कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, और इसे हम रिसाइकिल नहीं कर रहे, इसको हम रीयूज नहीं कर रहे, और हमारा जो पाकिस्तान है वो दिन ब दिन आलूदा होता जा रहा है। इसमें कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पर हम उस चीज़ को रिसाइकिल कर सकें और उससे दोबारा चीज़ें तैयार कर सकें, ताकि वो जो पहले वाला मटेरियल है वही चीज़ें यूज़ करके हम एक नई प्रोडक्ट तैयार कर लें। हम अगर बात करते हैं, हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें जो बिजनेस है कौन कौन से इससे हम बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस को सिगरेट बट से या उसको रिसाइकल करने के लिए हमें उसके पहले सिनेरियो को पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सिगरेट में तीन छः चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सबसे ऊपर पेपर होता है जो लास्ट पे बच जाता है, उसके नीचे फाइबर की एक तय होती है, और उसके नीचे आप वो लगा लें जो उसका फिल्टर होता है। ये तीन चीज़ों से मिलके वो बट बना होता है, और उसके लास्ट पे थोड़ा सा तंबाकू भी बच जाता है। ठीक है, ये चार चीज़ें होती हैं जो लास्ट पे बट में बच जाती हैं, जहाँ पे जो फिल्ट्रेशन है उसकी ख़त्म हो जाती है और वो चीज़ फेंक दी जाती है। अब हम ये देखते हैं कि इन चारों चीज़ों को किस तरह हम यूज़ करके हम अपनी जो बायो प्रोडक्ट्स हैं उनमें इन चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा पेपर की। ठीक है, जो सबसे पहले जो पेपर है
हम अगर एक बट को लाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं, पेपर उतारते हैं। तो सबसे पहले जो पेपर है इंडिया में, अगर हम जाएं यूरोप में चले जाएं या चाइना में चले जाएं, उस पेपर से वो क्या करें, मॉस्किटो बना रहे हैं। मॉस्किटो मच्छर को मारने के लिए हमारी जितनी भी चीजें मॉस्किटो में आती हैं उनसे वो प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं, वो उसे रीयूज करके उन प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि उस चीज में आप देख लें कि बहुत सारे जम्स होते हैं जो मच्छरों के खिलाफ, आप पाकिस्तान में एयरवाज है जहां पे मच्छर ज्यादा होते हैं वहां पे धुआं कर दिया जाता है और वो मच्छर वहां से भाग जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज में भी उस चीज की फिल्ट्रेशन हुई होती है, वो धुआं सिगरेट का एक धुआं होता है जिसमें उसके जम्स मौजूद होते हैं, उससे वो मॉस्किटो तैयार करते हैं और उससे वो जो प्रोडक्ट है मार्केट में सेल करके मच्छर मारने वाली दवाइयां हैं उससे बनाई जाती हैं। फिर हमारी जो हमारा जो आ जाता है फाइबर, फाइबर को डिकम्पोज होने में तकरीबन 10 साल लगते हैं। फाइबर से एयर प्योरिफिकेशन वो तैयार करते हैं। आप अपनी हमारी जो चिमनीज हैं उनमें चले जाएं, हमारा जो पाकिस्तान स्टील मिल है उसमें चले जाएं, वहां से बहुत सारा धुआं निकलता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसमें से जो बुरे असरात हैं वो मारे जाते हैं उस फिल्टर के जरिए, उससे वो प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं जो हमारी एयर प्योरीफायर कहते हैं उसे, कि वो पूरे के पूरे जो चिमनी से धुआं निकलता है उसे प्योरीफाई करके फिर हमारी फिजा में जाने देते हैं। उसका जो जो बैड असरात हैं हमारी फिजा में उसको उसे एयर प्योरीफायर करके उसे कम कर दिया जाता है, खत्म तो नहीं मैं कहूंगा लेकिन उसे कम जरूर किया जाता है। अगर हम मैं तीसरी चीज की बात करता हूं तो उसमें से दो चीजें निकलती हैं, उसमें से तंबाकू निकलता है और वो फिल्टर निकलता है। तंबाकू से वो लोग क्या करते हैं कि बायो प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं जिसमें हम खादे लगा लें, हमारी जितनी भी खाद है या आप सीबीडी की प्रोडक्ट्स लगा लें, जितनी हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जिनमें तंबाकू यूज होते हैं उसमें वो रीयूज उसे करते हैं और उससे वो जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी खादें वगैरह तैयार की जाती हैं तंबाकू के साथ। और जो चौथी चीज बच जाती है वो फिल्टर बच जाता है जिसे हम रूई का बना हुआ फिल्टर कहते हैं, वो यूज होता है कुशंस में, पिलूस में और बाकी चीजों में जहां पे तकरीबन वो ईच एंड एवरीथिंग जितना भी बट बचता है उसमें से चार चीजें बचती हैं और वो चारों चीजों को वो लोग रीयूज कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि 1 किलो में कितने सिगरेट्स बट आते हैं तो एक रिसर्च के मुताबिक 1 किलो में तकरीबन एवरेज 3000 सिगरेट्स बट आ जाते हैं। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रह गया है कि अगर हम ये सारी चीजें एक नॉलेज ले लिया, एक रिसर्च कर ली उस पर, तो हम इन सिगरेट्स बट को इकट्ठा कैसे करेंगे, एक एक करके थोड़ी वो इकट्ठा किया जाएगा या एक एक शॉप पे थोड़ी जाया जाएगा, उसे जाके हम इकट्ठा करें और फिर उसे रीयूज करें। तो इसका भी एक मॉडल उन्होंने तैयार किया है कि वो किस तरह इस ये सारे सारे जो सिगरेट बट्स हैं, सिगरेट की जो डिकम्पोजिशन की चीजें हैं, सिगरेट का जो फिल्टर है, वो इकट्ठा कैसे करते हैं, एक जगह पे लाते कैसे हैं ताकि उसे रिसाइकल किया जा सके। वो सबसे पहले करते हैं कि उन्होंने एक वैल्यू बिन, एक बास्केट बनाई है जो अगर आप पान शॉप पे या किराने की दुकान पे रख देते हैं जहां पे लोग सिगरेट्स वगैरह पीते हैं आके या बाय करते हैं, उन्होंने अपने बड़े बड़े सिटीज है जो बड़े बड़े उनके शहर हैं वहां पे वो डस्टबिन रख दी हुई हैं। लोग क्या करते हैं कि सिगरेट्स पीते हैं उसका जो बट है उसमें फेंक देते हैं, कंपनी के लोग 15 दिन बाद आते हैं उनको क्लियर करते हैं, उनको साफ करते हैं और वो निकाल के जो सिगरेट बट्स हैं, सिगरेट फिल्टर्स हैं, वो निकाल के ले जाते हैं। पहला मेथड उन्होंने ये किया कि ये इकट्ठा करने का पहला मेथड ये यूज कर लिया कि वो आते हैं आके उसे इकट्ठा करते हैं और वो ले जाते हैं। दूसरा उन्होंने देखा कि जो शॉप दफ्तर हैं या शॉप्स हैं जहां पे मॉल वगैरह होते हैं वहां पे उन्होंने अपनी डस्टबिन नस्ब कर दी, वहां पे डस्टबिन लगा दी, वहां पे लोग जब भी वो सिगरेट पीते हैं वहां पे जाके वहां पे उसमें फेंक देते हैं। कंपनी के लोग वहां पे भी मॉल्स में भी जाते हैं और वहां से वो चीजें उठाते हैं, आके उठा के अपनी जो कंपनी के जहां पे उसे रिसाइकलिंग किया जाता है, जहां पे उनका प्रोडक्शन हाउस होता है वहां पे उसे लेके आ जाते हैं। दो तरह से वो तकरीबन ये सारा का सारा जो कचरा है वो कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने मजीद एक और मेथड इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें हम पाकिस्तान में आम जुबान में चूड़े कहते हैं,
जो हमारी जो कचरा वगैरह है उसमें से चीजें उठा के लेके जाते हैं, आपने भी अक्सर उन्हें देखा होगा, तो उन्होंने उनसे पर केजी के हिसाब से बाय करनी स्टार्ट कर दी, उनसे वो पर केजी के हिसाब से सिगरेट बट्स वो बाय करते हैं और उनको रीयूज कर लेते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के मुताबिक। पाकिस्तान में भी जितनी भी इंडस्ट्री है रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री, उसे रुझान में आना चाहिए ताकि हम भी अपना जो कचरा है उसे रिसाइकल कर सकें, पाकिस्तान को ज्यादा मजीद गंदा ना करें, पाकिस्तान को मजीद जो इन्वायरमेंट है इसे साफ करें। अगर जितना ज्यादा इन्वायरमेंट साफ होगा उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है, उतनी ज्यादा हमारी जो लाइफ है वो इंक्रीज होगी। तो इंशाल्लाह मजीद जो वीडियोज हैं, मजीद जो चीजें हैं वो रिसाइकलिंग के मतलब मैं मजीद वीडियोज में लेके आऊंगा कि हम अपना जो कचरा है प्लास्टिक है या बाकी चीजें उनको किस तरह रीयूज कर सकते हैं, किस तरह कौन सी इंडस्ट्री में हम उन्हें यूज कर सकते हैं। मजीद ऐसी रिसाइकलिंग की वीडियोस और बिजनेस नॉलेज के लिए जो मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मजीद नॉलेज है वो आपके साथ शेयर होता रहे और मजीद जो बिजनेस आइडियाज हैं वो भी आपके साथ शेयर होते रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।